मेरा नाम सूरज अग्रवाल है। मेरे को पिछले 15-20 दिन से शोल्डर में और इस यहाँ और पीछे बहुत स्वेयर पेन हो रहा था। मेरी बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही थी। अब मैं यहाँ पे आया हूँ स्वामी जी के पास। इन्होंने 5 मिनट में कुछ पॉइंट दबाए हैं हाथों के और बाजू के, और मेरी बाजू बिल्कुल ऊपर जाना शुरू हो गई। सिर्फ 5 मिनट लगे। मैं पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था। देखिए, जोड़ का जाम हो जाना आम है, कंधा जाम हो जाना, कूल्हा जाम हो जाना, ये अक्सर हो जाता है। हमारे खान पान में हम कुछ वात कारक चीज़ें ले लेते हैं, कुछ हमारे खान पान में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे नसों में कच्चा रस आगे टॉक्सिन्स चले जाते हैं, जिस वजह से ये शरीर जो है, जोड़ जो है, मसल्स जो हैं, ये लचकदार नहीं रहते। कोई झटका लगने से, कोई वजन उठाने से, कई कई बार एक ही तरफ सोए रहने से अचानक वो अंग जो है, वो मसल जो हैं, वो स्पाज्म हो जाते हैं, या यूँ कह दें कि वो सख्त हो जाते हैं। उनका जो लचीलापन है वो एकदम से बाढ़ हो जाना, रुक जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, उनकी अपनी एक विद्या है, अपनी एक समझ है। वो आपको बताते हैं कि इसमें इंजेक्शन लगा दें, इसको आप, ये इसमें स्पाज्म हो चुका है, ये हो चुका है। आप डरेंगे नहीं, मेरे कहने पे एक बार 5 मिनट कुछ पॉइंट्स दबाने हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। बड़ा सरल है, मैंने दबाया इनको, ये ठीक हो गए हैं। आप पूछ सकते हैं क्या दोबारा समस्या वापस तो नहीं आएगी, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इस आप पूछ सकते हैं कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। 90% ये अभी ठीक हो चुके कि नहीं। 10% अभी 10 मिनट बाद फिर एक बार करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही इनको मैं सिखा दूंगा, ये रोज़ सुबह शाम कर लेंगे तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है, पॉइंट दबाना है, अगर आप आराम से दबाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, ये बात हो गई। और एक ज़रूरी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये एक्यूप्रेशर जो है, ये कोई चाइनीज़ विद्या नहीं है। कई लोग भ्रमित होते हैं, करते हैं एक दूसरे को कि चाइनीज़ लोगों की विद्या है। उन लोगों ने हमसे चोरी की है, हमारे ग्रंथ जला दिए, हम लोगों को अपने ग्रंथों का पता नहीं है। ये कान में जो कान भेद करके बाली डालना, ये चाइनीज़ लोगों ने सिखाया कि भारतीय परंपरा ने सिखाया? ये भी एक तरह से एक्यूप्रेशर है। ये तिलक लगाना, ये मांग में ये टीका यहाँ सजाना, यहाँ पर गहने पहनना, कड़े पहनना, ये एक्यूप्रेशर ही है। ये किसने सिखाया? हमारी संस्कृति वालों ने दिया कि ये चाइनीज़ लोग सिखा के गए थे हमको? तो ये चीज़ों को आप समझें और अपनी परंपरा को संभालें। मैं समझता हूँ आयुर्वेद के डॉक्टर भी अगर ये छोटी सी चीज़ कर लेंगे तो आप अपने क्लिनिक में लिख के लगा सकते हैं कि पथरी का दर्द या कोई मसल पेन, किसी तरह का कोई छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा स्वेयर स्वेलिंग वगैरह ना हो, कोई इंजरी ना हो। मैंने कहा था कि आप सारी चीज़ें छोड़ के हड्डी टूटी हुई और एक्यूप्रेशर करने लग जाओ, लेकिन कोई आदमी वैसे ही दुखी है, उसकी कंधा नहीं ऊपर उठ रहा, तो आप इंजेक्शन ना लगवाएं, ये करें। क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, सरल सा तरीका है। सबसे पहले कोई लकड़ी का कोई लंबा इस तरह से पेन ले लें या कोई कलम ले लें, और हाथ इस तरह से हाथ में ले लें, और कुछ नहीं करना है, ऐसे बस उस पर रगड़ना शुरू कर दें उंगलियों पे, इस तरह से। इससे खून का प्रवाह गर्म हो करके सारी नस नाड़ियों को उधर की तरफ प्रवाह जाने लगेगा। और आपने देखा होगा पानी की पाइप के ऊपर कार का पहिया चढ़ जाता है कभी कभी घरों में, तो पानी उसमें से आ रहा होता है, तो क्या होता है, पीछे से नलका खुल जाता है। क्यों? पाइप उतर गई। क्यों? क्योंकि प्रेशर इकट्ठा हुआ, वो सह नहीं पाया, वो जगह तंग थी, नली तंग थी, तो उधर से खुल गया। इसी तरह जब आप इधर से प्रेशर देते हैं, होता क्या है, इतना ही प्रेशर वहाँ पर जाता है जितना वो नली का पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि नली तंग है, नाड़ी तंग है। इतनी बाजू मत देखो, इतनी बाजू उसमें जो जहाँ से खून जा रहा है वो तो बहुत पतली नस है, उस पर इतना सा दबाव देते हैं तो आपको वहाँ तक जाता है पूरा। और आप इससे गर्म करिए पहले हाथ को, ये एक बेसिक चीज़ है। फिर दूसरा, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट होता है अंगूठे और इसके बीच, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पॉइंट। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे दबा देना होता है, थोड़ी दर्द भी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को प्यार करते रहो कि वो कहे जी मेरे को पेन नहीं होना चाहिए, और आप दबाते रहो तो पूरा प्रेशर से नहीं जाएगा, और फिर प्रेशर से नहीं जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। और इतना भी मत दबाओ कि कल को वो रोने लग जाए, बाद में कहीं नील पड़ गया। इसके बीच रखना है आपको अपनी समझ से, और नीचे भी हाथ रखना है ताकि सपोर्ट रह के वो दब जाए। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पॉइंट कहते हैं। पथरी की दर्द बंद कर देता है, सिर दर्द बंद कर देता है, छोटा मोटा हार्ट अटैक का शंका दिखे वो बंद कर देता है, उसका दर्द बंद कर देता है, एंजाइना पेन बंद कर देता है, कोई कंधे का दर्द, कोई स्पाज्म, कोई मसल पुल हो गया है, उसका मसल टियर हो गया, अगर कोई
मसल टूट गया है उसको इन उन दर्दों को नहीं ठीक करेगा ये, क्योंकि वो तो चोट हो गई ना, तो ये जनरल जो इस तरह की दर्दें हैं इसको ठीक कर देगा, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे इसमें हाथ फंसा लो, अपना हाथ फंसा लो और ऐसे करके इस अंगूठे के ऊपर देखो जहाँ पे ये हथेली है, ये हथेली का अगला हिस्सा है, ये हथेली का पिछला हिस्सा है, जहाँ अगला और पिछला मांस दोनों का मिलता है बस उसी जगह पे आपने ऐसे दबाना है। पेंसिल से करेंगे तो ठीक नस पकड़ में आ जाएगी, आप हाथ से करेंगे आपसे ना हो पाएगा। टॉप से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा दबाना है, ये स्पाइन का पॉइंट है। स्पाइन के अंदर बारीक बारीक नसें होती हैं, जब सारी एक्टिवेट होती हैं तो उस ऑर्गन की चारों तरफ से आप समझ लो आपने फोर्स भेज दी, ब्लड सर्कुलेशन भेज दिया, आप कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पे वो ब्लॉक रहेगा या वो स्पाज़म रहेगा। आखिरी में क्या करना है, ये रिंग फिंगर इसको दबा दे ज़रा 2-3 मिनट, सारे पॉइंट 2-2 मिनट 3-3 मिनट आराम से, कोई पेशेंट नहीं सह सकता 2-3 मिनट, तो 1 मिनट इधर दबा लिया, एक मिनट दूसरे हाथ दबा लिया, जिस तरफ का है इधर है तो इधर का हाथ का दबा लो, उधर का है तो उधर का दबा लो, पैर का है तो पैर का दबा लो, टांग का है टांग का कर लो, ये हो गया। और अंत में यहाँ से ये जो पॉइंट था ये ट्रिपल वार्मर था, ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वार्मर हमारी एक शील्ड होती है, हमारे अंदर एक प्रोटेक्शन की एक पानी की एक लेयर होती है जो सारे शरीर का टेम्परेचर बाहर के अंदर से बैलेंस करके रखती है कि अंदर के ऑर्गन्स को गर्मी ना ज़्यादा पहुँचे, अंदर के ऑर्गन्स को ठंड ना पहुँचे, तो वो सारा का सारा और नर्वस सिस्टम सारा का सारा इससे हो जाता है, ये हार्ट को जाती नस इस तरह दबा दी। आखिर में फिर यहाँ से ये वाली जो रिंग फिंगर है इसी के साइड पे थोड़ा सा दबाना होता है, कौन सी साइड, जो छोटी वाली उंगली के साइड वाली साइड, बस यहाँ पे आप ऐसे दबा दें। अब इनको पूछ लो कि जो 10% दर्द बची थी वो भी है या नहीं है, हाथ खड़ा करके देखो, नहीं है, और चाहे ये 100 बार चलाएंगे तो भी नहीं दर्द आएगी वापस, खुल गया बस। ऐसे ही मेरे पास कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनको 5 महीने हो गए थे ऐसा होते हुए, वो तो पेन किलर की पेन किलर खा गए, डॉक्टर्स उनको बोल रहे थे कि उसकी ना शायद उसमें कोई इंजेक्शन लगेगा, हाँ ऐसा कुछ बोल रहे थे वो, तो मुझे बोल रहे थे मैं इंजेक्शन लगवाने जाऊँ। मैंने कहा भाई देखो आप मेरे से एक बार दो समझ लो ये चीज़ें, मैं कर भी देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो लगवा लेना, फिर मैं नहीं आऊँगा बीच में आपके और आपके इंजेक्शन वाले डॉक्टर के बीच में, वो भी पढ़े लिखे हैं, मैं उनको कोई गलत थोड़ी कहूँगा, कई बार हम लोग फेल हो जाएं, हमारी साइंस फेल हो जाएगी तो वो बैठे हैं करेंगे, लेकिन जहाँ अगर ऐसी चीज़ से ठीक हो रहा है छोटी मोटी चीज़, तो ये तो मैं समझता हूँ जो उनकी विद्या है अपनी है, लेकिन वो भी साथ में एक्यूप्रेशर इस तरह सीख लें तो वो इस तरह से कोई पेशेंट आएगा छोटा मोटा तो उसका उसी वक्त भला कर देंगे। तो ये है, आपने इसको सीख लो, किसी की मदद करनी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।